अखिल भारतीय परिषद के अखिल भारतीय अध्यक्ष आदरणीय छगन भाई पटेल, महामंत्री निधि त्रिपाठी, मंच पर उपस्थित यशवंतराव जी के स्मृति में जो युवा पुरस्कार जिनको प्राप्त हुआ है, ऐसे आदरणीय मनीष कुमार जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज मुझे इस कार्यक्रम में शरीक होते हुए दो बड़ी खुशियां हुई है। पहली खुशी ये हुई कि सभागृह का निर्माण करने का निर्णय जब हुआ और मैंने ही सभागृह के पीछे पूरी विजन थी और तब ये 2200 कैपेसिटी का सभागृह बनाया और इसके ऊपर में जो लाइट है ये पूरे सोलर एनर्जी पर चलते हैं, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि अपने परिवार संगठन के, क्योंकि बाजू में ही हमारी डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति का अपना बहुत बड़ा वास्तु है और यहाँ बड़ा कार्यक्रम अखिल भारतीय कार्यक्रम अपने कोई परिवार संस्था का होना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा थी और उसी भावना से ये सभागृह का निर्माण किया था और इसलिए आज आपका इसमें अधिवेशन हो रहा है, इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है और उसका आनंद है, क्योंकि इस सभागृह के एक एक खुर्ची के एक एक खिले से लेकर एक एक चीज को मैंने बहुत ही माइन्यूटली देखा है और उसका काम किया है, तो इससे मेरा पूरा आत्मा और पर्सनल अटैचमेंट इस सभागृह से जुड़ी हुई है। दूसरा आनंद यह है कि कृषि क्षेत्र में काम करने वाले एक अच्छे युवा व्यक्ति को अपनी पढ़ाई अच्छी पढ़ाई होने के बाद में भी अपना जीवन कृषि विकास के लिए, किसान के कल्याण के लिए अपना अर्पित किया है, ऐसे एक व्यक्ति को पुरस्कार देने का एक अवसर मुझे मिला है, ये भी मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। मैं भी कृषि क्षेत्र में ही काम करता हूं और अब मेरी इच्छा लगभग अपने जीवन का कुछ समय विदर्भ में 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है और वही काम को मैं प्राधान्य से करने की कोशिश करता हूं, तो मुझे बहुत रुचि है कि विद्यार्थी परिषद ने यशवंतराव जी के स्मृति प्रीत्यर्थ ये जो पुरस्कार है ये कृषि क्षेत्र में काम करने वाले युवा कार्यकर्ता को दिया है। वैसे आप में से उपस्थित मुझे कोई दिख नहीं रहा, बापू भागवत बैठे हुए दिख रहे हैं, वो मेरे से भी सीनियर है विद्यार्थी परिषद में, पर मैंने यशवंतराव जी केलकर के साथ विद्यार्थी परिषद का कार्य किया है और इसलिए उनको मैंने नजदीक से देखा है। यशवंतराव केलकर एक यूनिवर्सिटी थे और उस यूनिवर्सिटी के एक प्रकार से हमारी यूनिवर्सिटी के वो कुलपति थे और हमारी पूरी जो कार्य पद्धति है ये कार्य पद्धति बहुत ही अविस्मरणीय ऐतिहासिक ऐसी है। दुर्भाग्य से इसका मार्केटिंग करने में हम लोग उतने कामयाब नहीं हुए और मुझे इसका इसलिए अनुभव आया कि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के बाद मैं बेसिकली स्टूडेंट लीडर था और आंदोलन मेरी रुचि के विषय थे, तो विद्यार्थी परिषद में दो प्रकार के कार्यकर्ता थे, एक इंटेलेक्चुअल विचार करने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम थी
और दूसरी चुनाव लड़ने वाले, मारपीट करने वाले, ठोक पीट करने वाले वो दूसरी टीम थी। तो मैं दूसरे टीम में ज़्यादा रुचि लेने वालों में से था। पर यशवंतराव केरकर जी के साथ जो संपर्क आया, दत्ता जी के साथ जो संपर्क आया, मदनदास जी के साथ जो संपर्क आया, सदाशिवराव देवधर जी के साथ संबंध आया, बाल आपटे जी के साथ जो संपर्क आया, उसी में ही मेरे जैसे बहुत ही रॉ विद्यार्थी कार्यकर्ता को बहुत सीखने का मौका मिला। और अब मैं जब मुझे अवसर मिलता है नेशनल इंटरनेशनल फोरम पर जाने का, और पहली बार मैं कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेवी नहीं हूँ, पर इस बार मैं कोविड के कारण करीब 280 से ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करने का मौका मुझे मिला और करीब 80 करोड़ लोगों से मैं कनेक्ट हुआ। और कुछ कुछ कार्यक्रम इंटरनेशनल थे, अमेरिका, जर्मनी, यूके, अमेरिका में 4 कार्यक्रम हुए उनके वहाँ के लोगों के साथ, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, यूके, फ्रांस, जर्मनी, दुबई में 3 कार्यक्रम हुए, तो मुझे बहुत मौका मिला। तो ये इंटरनेशनल लोग और ये लोग जब मुझे मिलते हैं तो मेरी बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि पिछले 5 में मैंने करीब 15 लाख देश में जो विभाग मेरे पास था, वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री थी, नमामि गंगा थी, जलमार्ग बनाया गंगा में, ब्रह्मपुत्रा में जलमार्ग बनाया, बराक में बनाया, स्पोर्ट्स बहुत अच्छे हुए और नेशनल हाईवे बनाए। अब मुझे तो इतना इसका अनुभव है कि अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्रुतगति महामार्ग मुंबई से दिल्ली 1 लाख करोड़ का हम बना रहे हैं, और 50% काम भी पूरा हुआ और 1.5 में उसका उद्घाटन, 1 के अंदर ही उसका उद्घाटन करने की मेरी इच्छा है। तो ये मैं जो लाखों करोड़ में बात करता था तो लोग मुझे बोलते थे कि ये कुछ तो भी वैसे भी नेता हूँ और राजनीति में हूँ तो लोगों का विश्वास कम होता है, और मैं जब लाखों करोड़ में बात करता था तो लोग बोलते थे ये कैसे होगा, अभी अभी नहीं पूछता, कुछ पहले पूछते थे तो लोग मुझे पूछते कि तुम ये कैसे कर सके। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी कुछ समझती नहीं, और बहुत जीनियस करके बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था ऐसा भी मेरा कोई करियर भी नहीं था। तो मैं 94-95 में मंत्री बना, तब मुझे पहली बार मौका मिला तो मैं वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट जो समुंदर में ब्रिज बना है मुंबई में, वो और 55 फ्लाईओवर्स और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे 3 मुझे बनाने का मौका मिला, और तब से इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा संबंध जुड़ गया। तब ये सब लोग जब मुझे पूछते हैं, इंटरव्यू पूछते हैं, तो फॉरेन पत्रकार पूछते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ आपको कभी संघ की विचारधारा, संघ के काम करने की कार्य पद्धति, कार्यकर्ता व्यक्ति उसका पता है, तो बोलते पता नहीं है। यशवंतराव पीटर, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी और भवराव देवरस, ये 3 प्रमुख हमारे जो मार्गदर्शक थे, ये तीनों को नज़दीक उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला, और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अंग्रेजी में जो जीनियस शब्द है, ये शब्द इन तीनों के लिए निर्माण हुआ था, इतना इन और इनसे हमारे जैसे पत्थर ही समझना चाहिए, क्योंकि मैं कोई ना इतना होशियार भी था ना कोई विद्वान भी था, और उनके स्पर्श से जो कुछ सीखने के लिए मिला है उसमें कुछ करने का अवसर मुझे मिला, जो कुछ करने को मिला उसका कारण यश, जो यश मिला है, जो सक्सेस है, वो निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद और संघ की कार्य पद्धति में जो संस्कार हुए और जिसमें यशवंतराव केकर, आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी और भवराव जी देवरस, इनके साथ बहुत ही मुझे याद है कि इसकी स्मृतियां मैं कभी भूल नहीं सकता। कलकत्ता में विद्यार्थी परिषद की मीटिंग थी, थिंक
विचार करने वाले 25-30 कार्यकर्ताओं का चिंतन बैठक थी। यशवंतराव जी थे, उसमें दत्तोपंत ठेंगड़ी जी आए थे, मैं भी था। और मैंने दत्तोपंत जी को एक प्रश्न पूछा कि सामाजिक समता और समरसता इज इट ए पार्ट ऑफ अवर स्ट्रेटेजी। तब तो मैं बोले, मैं सही था तो बिना संकोच मैंने पूछ लिया। और मेरा यह प्रश्न पूछने के बाद दत्तोपंत जी ने मुझे उसका जवाब दिया, पर मेरे प्रश्न से यशवंतराव जी बहुत दुखी हुए। और वो जैसे ही सत्र समाप्त हुआ वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे पूछा कि तुमने ऐसा प्रश्न कैसे पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा। सामाजिक संवेदनशीलता, सामाजिक समता, समरसता, ये इट इज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ कन्विक्शंस। ये हमारे जीवन की मिशन है, उद्दिष्ट है, आपको ऐसे कैसे लगा। उनका दुख और दर्द देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, इतने वो संवेदनशील थे। हमारे कार्य की विशेषता है कि संगठनात्मक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक तीन प्रकार का कार्य हम करते रहे, पर इसके साथ जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का जो हमारा उद्दिष्ट था, उस उद्दिष्ट को पूर्ण करने के लिए और जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की हमारी कटिबद्धता है जिसके लिए हम सब लोग काम करते हैं, उसके बारे में सुस्पष्ट विथ क्लैरिटी उनका कन्विक्शन भी था और उनका रोडमैप भी था, उनकी विजन भी थी। और अपने कृति से उन्होंने इस कार्य पद्धति को टीम स्पिरिट, टीम वर्क, टीम स्पिरिट और टीम वर्क, इसका बार बार प्रयोग अभी भी विद्यार्थी परिषद में होता होगा। और ये टीम स्पिरिट और टीम वर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए उन्होंने हमें कहा, बताया था कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, इसका उत्तर आता है ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका उत्तर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। ट्वाइस ए बी इज ए कलेक्टिव टीम स्पिरिट। और वो ये कहते थे कि हमारे बीच में सभी लोग, हम अपूर्णांक है, हमारे में कोई पूर्णांक नहीं है। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। यू कैन नॉट कैच योर ओन इमेज। आपकी जो छाया रहती है उसको आप कितने भी स्पीड से दौड़ेंगे तो भी आप उसको पकड़ नहीं सकते। वैसे ही पूर्णांक की ओर जाने के मार्ग में वही है कि हम कभी पूर्णांक नहीं बन सकते। आगे उन्होंने हमारे अपने से कहा कि हर व्यक्ति गुण दोषों से बना है और हमें ऐसी कार्य पद्धति विकसित करनी है कि हम उसके दोषों को कम करें और उसके गुणों को बढ़ाएं। ऐसी कार्य पद्धति को विकास करने की बात बार बार कहते थे। उन्होंने किसी कार्यकर्ताओं के दोष के लिए सार्वजनिक रूप से कभी नहीं डांटा। वो कहते थे किसी को बताना है उसकी गलती को अकेले में बताओ और किसी की तारीफ करनी है तो सब लोगों में करो, उसका अपमान मत करो। अगर गलती की है तो उसको अकेले में जाकर बोलो कि ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ है। अगर पब्लिक में बोलोगे तो उसका अपमान होगा, अकेले में बोलोगे तो उसको निश्चित रूप से उस बात का एहसास होगा, वो सुधरेगा। समाज के जिन लोगों को हमने स्वीकार किया है वो समाज से आए हैं और अच्छे बुरे गुणों के साथ हमने उनको अपने साथ लिया है। और हम ऐसी कार्य पद्धति विकसित करेंगे, आज की मॉडर्न मैनेजमेंट कंसेप्ट में हम लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकली, फिजिकली, बाय ऑल वेज वी हैव टू मेक ए सच अ परफेक्ट सिस्टम कि जिसका आउटपुट परफेक्शन में 100% परफेक्ट हो। तो आधार पर व्यक्ति निर्माण के इस कार्य पद्धति में हम ऐसी कार्यकर्ता को तैयार करें कि जो देश के लिए, समाज के लिए दिशा देने वाला बने।
और उस कार्यकर्ता को बनाना उस प्रकार से जिस प्रकार से मिट्टी गीली होती है, और आकार देने वाला अगर तय करता है तो उसमें मूर्ति भी तैयार होगी और तय करता है तो ऐसी चीज भी तैयार होगी जो नहीं होनी चाहिए। संस्कारों का महत्व है व्यक्ति के ऊपर, और अच्छे संस्कार जब उसको मिलेंगे अपने कार्य पद्धति से, उससे अच्छे व्यक्ति और अच्छे नागरिक तैयार होंगे। ये इनकी उनकी जीवन निष्ठा थी, जीवन मिशन था। और मैं तो बहुत ही प्रभावित हूँ, और मैं इतना बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूँ, और इसलिए पिछले एक दो महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हमारे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी और यशवंतराव केलकर जी ने जो हमें सब सिखाया है, जो कार्य पद्धति दी है, जो व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति संस्कार के कार्य पद्धति का स्वरूप हमें समझाया है, टीम वर्क, टीम स्पिरिट, व्यक्ति को कैसे बदलना, सबको मिलकर साथ कैसे काम करना, मैं नहीं हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, अहंकार नहीं था, किसी बात के बारे में अभिनिवेश नहीं था, विद्वत्ता होगी तो भी एरोगेंस नहीं था, नम्रता, शालीनता, सहजता, सरलता, संवेदनशीलता का परिचय उनके व्यक्तित्व में था। और उसी के कारण हजारों लाखों कार्यकर्ता उन्होंने उनसे प्रेरणा लेकर तैयार किया। मैं सोचता हूँ सामाजिक और राजनीतिक कार्य पद्धति में तो कार्यकर्ता का महत्व महत्वपूर्ण होता ही है, और ज़्यादातर उनका चिंतन उसके साथ है ही, पर कॉरपोरेट बिजनेस वर्ल्ड में, मैनेजमेंट के सेक्टर में इसका क्या इम्पैक्ट है, और इसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है मैनेजमेंट के ऊपर, ये भी बात कभी ना कभी दुनिया के सामने आनी चाहिए। मैं बच्चा लेखक भी नहीं हूँ और कोई बहुत बड़ा लिखने की मेरी आदत भी नहीं है, पर मैंने दो अंग्रेजी किताब लिखी, इंडिया एस्पायर एंड इंडिया इंस्पायर। तो उसके साथ साथ वो मैं बोलता था तोहिन सिन्हा करके एक लेखक, अच्छा उसने काफ़ी लिखा। अब मैं ये दो किताबों को भाई बारीक बारकाई से अध्ययन करके सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता उसका आशय जो उन्होंने दिया है वो तो बिल्कुल निश्चित है, पर इसका कॉरपोरेट में, बिजनेस में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, राष्ट्र के पुनर्निर्माण में, विभिन्न क्षेत्रों में भी इसका क्या परिणाम हो सकता है, इसको अपनाने से कितना क्वालिटेटिव रिफॉर्म इसका होगा, उसका थोड़ा बहुत अध्ययन करके मैं उसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो इसलिए कर रहा हूँ कि लोग मुझे ही बहुत बड़ा समझते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं जो कुछ सीखा हूँ स्कूल का, मैं थर्ड क्लास में आखिरी बेंच पर बैठने वाला विद्यार्थी था, पर मैं जो कुछ सीखा हूँ वो मैं यशवंतराव केकर और दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, भावराव जी देवरस जैसे बड़े बड़े लोगों के सान्निध्य से, उनके गुणों को मैंने जो नज़दीक से देखा, जो उसमें से 100 में से 5-10% जो लिया है, उसमें जो कुछ काम कर रहा हूँ उससे आप प्रभावित हुए, पर ओरिजिनल वो है, मैं नहीं हूँ। और इसलिए निश्चित रूप से इसके विविध पहलुओं पर अध्ययन करना इसकी आवश्यकता है। कार्य पद्धति है, संगठनात्मक पद्धति है, व्यक्ति निर्माण है, टीम वर्क, टीम स्पिरिट, प्लानिंग इन एडवांस, इन डिटेल, मिलकर काम करना, कार्यकर्ता को कैसे संभालना, कार्यकर्ता का विचार कैसे करना, नहीं तो यूज एंड थ्रो, आज काम करो कल फेंक दो। वो कहते थे कार्यकर्ता अपने परिवार का घटक है, एक एक कार्यकर्ता जो है जो जीवन के लिए, अपने जीवन में, समाज के लिए, देश के लिए जीवन देता है, वो कार्यकर्ता अपने परिवार का, अपने बेटे बच्चे जैसा, ऐसा भाव हमारे मन में रहना चाहिए। मैं और मेरा एक मित्र था, हम थोड़े एक बड़े अधिकारी के घर गए थे, तो वो चाय पी रहे थे अंदर में और उसका आवाज आ रहा था। मैं बोला ये भाषण तो बहुत देते हैं, चाय अकेले पी रहे, हमको नहीं दे रहे। तो मजाक में कह रहे थे, पर वो जो यशवंतराव जी का उदाहरण बताया उन्होंने कि पानी पीने के लिए दलित व्यक्ति को कहा जाओ अंदर और पियो, ट्रांसपेरेंट जीवन था। और इसलिए विद्यार्थी परिषद का कार्य जो है वो लगातार बदल रहा है, बढ़ रहा है, पीढ़ी आ रही है, जा रही है, नए नए लोग आते हैं। विद्यार्थी परिषद ये बुलेट ट्रेन जैसी है,
हर स्टेशन पर नए लोग बैठते हैं और कुछ लोग उतर जाते हैं, पर जो बैठे हुए लोग होते हैं उनसे जो संस्कार होता है वो निश्चित रूप से जीवन में उपयोगी होता है। आज मुझे खुशी है कि मनीष कुमार जी का भी पुरस्कार दिया है, बहुत आनंद का विषय है मेरे लिए। मनीष कुमार जी, एक 15 दिन पहले मेरी नीतीश कुमार जी और मैं एक ही कार्यक्रम में बिहार में कुछ रोड प्रकल्पों के में मेरा कार्यक्रम हुआ, तो मैंने उनको कहा कि कृषि क्षेत्र जो है वो हमारी स्थिति अखर है, विद्यार्थी परिषद ने और आप सब कार्यकर्ताओं ने बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में हमारी एक समय 47 में 85% पॉपुलेशन जो थी वो गांव में रहती थी, आज 30% माइग्रेशन हुआ है। इसका कारण क्या है? हमारे देश के टोटल जीडीपी में 8 से 12% कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर और अलाइड इंडस्ट्रीज का है, 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है और 52 से 56% सर्विस सेक्टर का है। आप मुझे बताइए कि जहां 85% हमारी पॉपुलेशन थी वहां जीडीपी में 12% कॉन्ट्रीब्यूशन और वो भी 30% माइग्रेशन हो गया, क्यों हुआ? आज ऐसी हालत क्यों बनी? कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है, ऑरेंज सस्ते हैं, जूस महंगा है, किसान तैयार करता हर चीज को कोई कीमत ही नहीं है। मुंबई शहर में बर्तन मांजने के लिए जो राख मिलती है वो भी 18 से 20 रुपए किलो मिलती है, और बिहार में, ओडिशा में, बंगाल में, महाराष्ट्र में जो चावल की राइस कट रहती है वो 12 और 13 रुपए किलो मिलती है। एक्सपेंडिचर कॉस्ट बढ़ रही है। हमने केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग की बात की, लगातार कीमतें बढ़ रही है, सीड की कीमत बढ़ रही है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की कीमतें बढ़ रही है और किसान के फसल की कीमत नहीं बढ़ रही है। हमारे देश में शुगर सरप्लस है। पिछले साल भारत सरकार ने 60 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट की, जिसके लिए 6000 करोड़ हमने सब्सिडी दी, क्योंकि हमारी शुगर में, हमने शुगर केन को, गन्ने को जो भाव देते हैं वो 34 रुपए किलो पकड़ कर देते हुए और इंटरनेशनल प्राइस शुगर की 22 रुपए किलो है। आज हमारी एमएसपी जो है, शुगर हो बाकी सभी बातों में, एमएसपी ज्यादा है और इंटरनेशनल मार्केट की कीमत और आप हिंदुस्तान के मार्केट की कीमत कम है। इसके कारण बहुत समस्या खड़ी हुई है। 280 लाख टन चावल गोडाउन में पड़ा है, चावल सड़ रहा है पर और प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हम पूरे विश्व को चावल सप्लाई कर सकते हैं, इतना चावल हमारे पास पड़ा है। बिहार में, काफी राज्यों में इस समय कॉर्न हुआ, 1700 रुपए क्विंटल एमएसपी थी, 1000 और 1100 रुपए क्विंटल के भाव से कॉर्न को बेचना पड़ा। हमारे देश में एडिबल ऑयल 90,000 करोड़ का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमें क्रॉप पैटर्न बदलना पड़ेगा और एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना होगा। और मनीष कुमार जी ने जिस जैविक खेती की बात की है वो भी हमारे परिवार में दो बातें इंपॉर्टेंट है। आज सुदर्शन जी, हमारे सरसंग चालक, हमारे बीच में नहीं है। वो जब कहते थे कि इस देश का किसान इस देश की बिजली और इस देश का पेट्रोल डीजल का पर्याय दे सकता है, हमारे भी लोगों ने उनके ऊपर विश्वास नहीं रखा, पर आज ये सिद्ध हो गया है कि हमारे देश में हम लोग वी कैन डाइवर्सिफाई अवर एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। ये सब कुछ हो सकता है और इसलिए आज हमने अनुमति दी है कि इथेनॉल की इकोनॉमी बनाना। मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, मैंने बजाज के एमडी और टीवीएस के एमडी, दोनों यंग लड़के होशियार है, एक राजीव बजाज और वेणु श्रीनिवासन, दोनों को कहा कि जब तक तुम इथेनॉल की बाइक तैयार नहीं करोगे कोई काम के लिए मेरे ऑफिस में आना ही नहीं तुमने। अब दोनों ने इथेनॉल की बाइक बनाई और इलेक्ट्रिक की बाइक भी बनाई, स्कूटर भी बनाई, मैं बेंगलोर में उसको मैंने लॉन्च भी किया। और इथेनॉल इस देश में हमारा बन रहा है, 20,000 करोड़ की इकोनॉमी है। आप सब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और ग्रामोत्थान छात्र हेतु अभियान चला चलो गाँव की ओर, तो आप जैसे लोगों को सोचना होगा कि हमें क्या करना है। हमारे को अभी 400 करोड़ लीटर केवल इथेनॉल मिलता है
और पेट्रोल में अगर 22% अगर डालना है तो हमें 1600 करोड़ लीटर चाहिए। हमारे पास इथेनॉल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। और हमारे देश में हम लोग 800,000 करोड़ का क्रूड ऑयल पेट्रोल डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं और पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है, पर आज हमारे देश में हमने अभी मोलाइसिस से इथेनॉल, शुगर केन जूस से इथेनॉल, और उसके साथ साथ अभी राइस कट से भी इथेनॉल करने की अनुमति दी है। अब कौन से भी इथेनॉल बना सकते हैं, डाल सकते हैं। और मैंने अभी फ्लेक्स इंजन लाने की बात की है, ये टोयोटो होंडा मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू की कनाडा में यूएसए में और ब्राज़ील में कार है, वो 100% बायो इथेनॉल पर चलती है। देयर इज अ चॉइस विद द कंज्यूमर, पेट्रोल डालो या इथेनॉल डालो। इथेनॉल का भाव 65 रुपये लीटर और पेट्रोल का भाव 85 रुपये लीटर। अब इथेनॉल के पंप की परमिशन हमने दी है, अभी सबको डालने के लिए पंप की अनुमति दे रहे हैं। राइस से एक टन राइस से 480 लीटर इथेनॉल होता है और एक टन मक्के से 380 लीटर है। अब ये यहाँ जरूरत है, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। बिहार में पूरा मक्का होता है, राइस पड़ा हुआ है। अब मैंने एमएसएमई में योजना बनाई है और मैंने टारगेट किया कि 1000 इंडस्ट्री कम से कम इथेनॉल बनाने वाली 2 साल में हम करेंगे, ताकि देश का इंपोर्ट भी बचेगा और देश के लिए फायदा भी होगा। दूसरी बात, हमारे इसी पुरस्कार में संतोष गोंदेकर जी को पुरस्कार दिया आपने, अपना कार्यकर्ता है, वो बायोमास से बायो सीएनजी बनाता है और अभी पुणे में उन्होंने बहुत यशस्वी रूप से काम किया। और मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ये सब नागपुर में है, ये प्रूवन है सब। अभी नागपुर शहर की 100 बसेस हमने सीएनजी पर कन्वर्ट की है, डीजल की चोरी भी बंद, कॉस्ट सेविंग, पोल्यूशन भी कम। अब नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पूरा उसी पे करने का, हमारा मेयर से लेकर कमिश्नर तक सब वही सीएनजी पे चलेगा। परसों मैंने नीरी को कहा कि हमारा आप प्रदूषण के लिए काम करते हैं, आपकी पूरी गाड़ियां यहाँ सीएनजी स्टेशन खोलो, कन्वर्ट करो सीएनजी पर, पुलिस की गाड़ियां भी करना, हमको नागपुर को प्रदूषण मुक्त करना। और हमारे शहर का हमने जो टॉयलेट का पानी है वो भी पानी हमने 325 करोड़ रुपए में बेच दिया। टॉयलेट का पानी, वही यशवंतराव केळकर कहते थे कि नो वन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द लीडरशिप एंड द विजन ऑफ द लीडरशिप, यू कैन चेंज वेस्ट इनटू वेल्थ। कोई कार्यकर्ता खराब नहीं है, उसके ऊपर अच्छे संस्कार करने वाला दमदार नेता होगा तो सामान्य कार्यकर्ता भी असामान्य हो सकता है। नानाजी देशमुख वाशिम से यहाँ आए थे संघ कार्यालय, तो झाड़ू लगाने के लिए नौकरी कर रहे थे, वही नानाजी देशमुख आगे कहाँ चले गए। जब संघ के साथ, संघ के प्रचारक के साथ उनका संपर्क हुआ, सत्संग हुआ, संस्कार मिले, तो कितने असामान्य हुए। और इसलिए नो वन इज वेस्ट। अब मैं उसमें से कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें से उस पानी से मिथेन निकालूं। और अभी मैं खुद 18 टन, ये समय जी हमारे यहाँ काम करते हैं, 18 टन बायो सीएनजी बनाते हैं हम लोग। और अभी ट्रैक्टर भी लाया हमने, एक ट्रैक्टर में 1,00,000 रुपए बचेंगे। आप तो आईआईटी वाले भी हैं, मैं तो नहीं हूँ, पर मेरा प्रयास है कि देश में हर किसान के 1,00,000 रुपए बचेंगे। एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम किए बिना किसान की स्थिति नहीं बदल सकती, उत्पादन खर्च को कम करना। और इसके लिए आज हमारे यहाँ जीवामृत है। जीवामृत यानी यही है कि 200 लीटर पानी में, मैं ओल्ड इज गोल्ड बोलने वाले में से नहीं हूँ, जो साइंटिफिक और टेक्निकली प्रूवन है वो बात आपको बता रहा हूँ। 200 लीटर पानी में अगर हमने 20 लीटर देशी गाय का गोमूत्र और 10 किलो गोबर, 1 किलो गुड़ डाला और उसके साथ बड़ के पेड़ के नीचे की 1 किलो मिट्टी डाली, 4 दिन उसको अच्छा घुमाया, और वो अमृत पानी युवामृत अगर हमने दिया तो आप कैसे सब्जियाँ खाओगे। हमारे एक सीताफल बनाते, इतना बड़ा होता है, पाटिल करके किसान है। एक समय मुकेश अंबानी आए थे तो मैंने उनको 5-6 सीताफल दिए, इतने बड़े बड़े, इतने सुंदर टेस्टी है। हर साल अविनाश करके मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी को फोन कर दिया, तो सीताफल भेजो, इतने अच्छे हैं।
अमृत पानी से खर्चे की जरूरत नहीं। अभी मैंने किताब का विमोचन किया, कृषि मूल्य काफी एक्सपर्ट साइंटिस्ट थे, मैंने कहा तुम ये जो पेस्टिसाइड और ये कॉन्ट्रैक्ट और सिस्टमिक बना रहे हो, इसके बजाय जो गांव में हमने प्रयोग किए नीम के इससे उधर से, उसके ऊपर तो प्रयोग करो और इससे खेती का खर्चा करके, उत्पादन खर्च कम करके हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, बहुत करने लायक है। अभी ये जो नागपुर के शौचालय की जो सॉलिड स्लज है, ये नागपुर म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के साथ पड़ी है, मैं पीछे पड़ा, फिर उसके साइंटिफिक रिसर्च निकाल कर सब रिपोर्ट लिए, उसमें 35% ऑर्गेनिक कार्बन है और जहां ऑर्गेनिक कार्बन 0.85 है वहां एक एकड़ में 100 टन से ज्यादा गन्ना हुआ है। जैसे आदमी को ऑक्सीजन चाहिए वैसे जमीन को ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए, वो कंपोस्ट खत से मिलता है। अब मैं हमारे हेमंत जांबेकर करके अपने ही कार्यकर्ता है विश्व हिंदू परिषद के केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोफेसर, उनको लेकर मैं प्रयोग करते रहता हूँ। अब उसमें कल्चर मार के 30% वॉल्यूम कम करके फिर हमने बालों से अम्यूनो एसिड बनाते हैं, हम तिरुपति से बाल खरीद के लाते हैं एक ट्रक, और माइक्रोन्यूट्रिएंट बेस्ड अम्यूनो एसिड बनाते हैं, मतलब ये इसमें डालो इसकी एनपीके वैल्यू बढ़ाओ, और ये ऑर्गेनिक मैनुअल देके ऑर्गेनिक कार्बन और एनपीके वैल्यू कैसे हम कर सकते हैं, क्या हम लोग कोई ऐसा रिसर्च कर सकते हैं कि हवा का नाइट्रोजन लेके डायरेक्ट प्लांट को मिले, हमें यूरिया देने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ हो सकता है। हमने बहुत अच्छे काम यह हुए हैं और ये इससे किसान कर्ज मुक्त हो सकता है, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो सकता है। 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर रूरल एंड ट्राइबल बहुत परिस्थिति, जीडीपी कंट्रीब्यूशन उनका निग्लिजिबल है, और जब तक पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर रूरल ट्राइबल एरिया में नहीं बढ़ेगा तब तक विकास नहीं होगा। आज मनीष कुमार जी को आपने उनका सत्कार किया, बहुत अच्छा हुआ है। मैं विद्यार्थी परिषद को यही कहूँगा कि वाटर कंजर्वेशन में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, बायोफ्यूल में, आप इन सब बातों को युवाओं को जगाने के लिए जो आत्मनिर्भर भारत का सपना हमको पूरा करना है, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है, गरीबी को मिटाना है, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हमारा मिशन है, सामाजिक और आर्थिक समता समरसता सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रस्थापित करनी है, तभी राष्ट्र का पुनर्निर्माण होगा। और उस आत्मनिर्भर भारत को निर्माण करने के लिए मनीष कुमार जी जैसे अनेक प्रयोग जिन्होंने किए, उन प्रयोगों से प्रेरित होकर इस विचार को लाखों करोड़ों युवाओं तक पहुँचाकर एक ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की एक सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस और गतिशील करने में विद्यार्थी परिषद का संगठन बहुत अच्छा काम कर सकता है। मैं मनीष कुमार जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बोलने लायक बहुत कुछ है पर समय की भी कमी है, पर मुझे खुशी है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक युवा टेक्नोलॉजी से बहुत IIT ग्रेजुएट को जिसने गांव का विकास करने का संकल्प किया और जो अच्छा काम किया इसके लिए आपने उनको गौरवान्वित किया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे प्रयोगों को सभी को इकट्ठा करिए, उनकी एक नई विजन दीजिए। अब मंत्री तो MSME का भी मैं हूं, तो आप प्रोजेक्ट लेकर लाइए, जितने हैं उनको सबको कर्जा दे देंगे। नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। और गाँव में हम गांव में व्यवसाय करेंगे, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करेंगे, और मैं विश्वास रखता हूं वो दिन आएगा कि दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई बेंगलोर छोड़कर फिर से लोग अपने गांव के तरफ जाएंगे और गांव स्मार्ट सिटी जैसी है वैसे स्मार्ट विलेजेस बनेंगे। कठिन है पर असंभव नहीं है, उस कार्य को दिशा देने का काम हम सब कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के विशेष रूप से करें, यही अनुरोध के साथ अपनी भाषण को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।